पीछे चलो, महिला की गाड़ी चलो, पीछे चलो, महिला की गाड़ी से कार्ड आया। अगर हमारी मुल्क की पड़ोसी मुल्क के साथ युद्ध हो रही हो या युद्ध होने वाली हो, तो हम जितने भी भारत के लोग हैं, वह आर्मी के जवानों को और उनकी फैमिलियों को, या पैरामिलिट्री के जवानों को उनकी फैमिलियों को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। लेकिन अगर इसी के विपरीत हम जाएं और माहौल शांति का चल रहा हो, तो सारी इज्जत हमारे अंदर से उनके लिए ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा वीडियो देखा जिसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया। आप सब आए दिन सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कहीं किसी आर्मी जवान को पीटा जा रहा है, कहीं किसी को ट्रेन से धक्का दे दिया जा रहा है, कहीं किसी के फैमिलियों को परेशान किया जा रहा है, कहीं किसी शहीद जवान के पिता को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। दोस्तों, ये सब जितने भी हमारे सेना के जवानों के साथ या पैरामिलिट्री के जवानों के साथ जो पब्लिक या पुलिस प्रशासन जो कर रही है, यह बिल्कुल गलत है। ऐसी ये घटना राजस्थान में घटी, जहां हमारे पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के वीर जवान हेमराज मीना, जीतराम गुज्जर और रोहितास लांबा की पत्नियां सीएम से मिलकर अपनी मांगों को रखना चाहती थी, लेकिन उन्हें सीएम से नहीं मिलने दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के सीएम से और राजस्थान पुलिस से कि क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या वह अपने अधिकारों को वहाँ की गवर्नमेंट के सामने नहीं रख सकते? जिनका पति, जिनका बेटा, जिनका पिता अपनी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उनकी फैमिलियों के साथ ऐसी हरकत करते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई। यहाँ तक कि उनकी फैमिलियों को पीटा गया, और आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी फैमिलियों को पीटा गया और उन्हें सीएम से मिलने से रोका गया। तो महिलाओं तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप सबकी क्या राय है, आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक